हाँ जी क्या बोल रहे सर? ये बोल रहा नमस्कार जी, ये रास्ते के सरकारी विभाग से पूरी टीम आई है, पटवारी और कानको साहब, तो इन्होंने मौका देखा, मौके पे मतलब ये जो रास्ता है ये लगी है बाड़नी ना, इसको पीछे हटाने के लिए बोला इनको, ये बन्ना लगाया गया जी। जी ठीक है जी, कहाँ लगाया ये? आज इनका जो इनकी जमीन है ये है, ये जो पत्थर रखा है ये है। अच्छा ठीक है जी, और ये 5 मीटर का ऐसे बताया इन्होंने कि ये पूरा ऊपर से नीचे खुला है जी। ठीक है, और मेन जो है ये। अच्छा ये। फिर और इनको बोला गया कि अपनी बाड़नी पीछे कर ले, लेकिन नहीं मानते। अच्छा मानने के बावजूद ठीक है, समझाने के बाद तो अंदर से कुधर गया। आइए कुतु बोलो बोलो बोलो। अच्छा ये पत्थर खोया, अच्छा तो हमने गलाने मतलब कि इतने तक रास्ता है। अच्छा अच्छा आगे नहीं, मौके पे पूरी टीम आई है ना, पटवारी और काम की कार्रवाई हो रही है, और उन्होंने इनको मौके पे बन्ना लगाया, उसके बावजूद भी नहीं मान रहे। अच्छा, और आप विभाग से बातचीत कर लीजिए। इनको बोला कि पीछे कर लो, ये जो है इनके ये भीड़ है, ये सारा रास्ता है, इन्होंने तोड़ फोड़ के सारा ये किया। ये देखिए सर, बोर्ड वगैरह कैसे तोड़ दिए ना सरकार ने, तोड़ के फेंक रहे जो रास्ते में बोर्ड लगे। पीआर न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को हम बता दें कि ये और उस समझाने के बाद देख लो बहस कर रहे हैं, मान रहे हैं। आने दे मैडम, मुझे ध्यान दे रही है जरा की। अच्छा ये कानगो आए ना? हां कानगो आए। अच्छा ये कौन सा गांव है? ये गांव कौन सा? कांगड़ी। अच्छा कांगड़ी में यहां पर एक रास्ते का विवाद है, जहां पर पंचायत द्वारा पक्के रास्ते का निर्माण कुछ साल पूर्व किया गया था, और यहां पर रास्ते को तोड़कर पोल लगाए गए थे। इसका मुआयने करने आज विभागीय टीम यहां पर पहुंची हुई है, और विभाग ने जहां पर निशानदेही दी वहां पर ये पोल उखाड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो देख ले। अच्छा मैडम जी क्या बोल रहे हैं ये, मतलब क्या फैसला क्या हुआ आपने चेकिंग की रास्ते का जो आपने देखा? हाँ मैंने मौके पे रास्ता देख लिया जी, और कब्जा किया लोगों ने ना जी, तो बोल दिया उन्होंने, पर वो तो उखाड़ नहीं रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं? टाइम दिया उन्होंने उखाड़ने के लिए। कितने दिन का? 7 दिन का जी। तो अभी जो निशान दी आपने दे दी है? दे दी जी। अच्छा, तो जैसे कि मौके पर यहाँ पर विभागीय टीम पहुँची हुई है और उन्होंने निशान दिए हैं, 7 दिन का टाइम जो है इन्हें पोल पीछे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो अभी जो आपने ये रास्ते का दृश्य देखा, यहाँ पर पहले भी एक बार न्यूज़ लगी थी और दिखाया गया था कि किस तरह सरकारी रास्ते को तोड़कर जो पोल लगाए गए थे। तो सर क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या है विवाद क्या है ये बताइए। जी सरकार जी खर्चा इतना करी चुकी समझा जी, कने पोल जी लगाया सर पहले भी मौका दिखाया समझा, पहले भी न्यूज लगाई जी, अब नहीं नेट आया नहीं समझा जी, कने हुन दोबारा जी मौके दा विवाद जी आ गया नु का आए इना पूरे मौका दिखे न बताया छेड़ा ही हमने वो भी हम साथ जी। तो अभी क्या बोल रहे हैं? ये मना कर रहे हैं ना कि हम नहीं काम जी। तो अभी आप क्या करना चाहेंगे और विभाग से क्या अपील की आपने? ये कष्ट कर रहे हैं कि ना प्रधान मौके से आने वाले ने ना जो सर आ रहे हैं जी, तो देखेंगे जी, वो भी बताएंगे कि करना क्या नहीं करना है। हाँ जी सर, आप क्या बोलेंगे? हम तो ये न्याय चाहते हैं कि हमारा रास्ता जैसे पहले बना था वैसे ही पोल पीछे कर दो, हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है जी। हाँ जी, हम यही चाहते हैं सरकार से। तो विभाग ने क्या बोला आज? विभाग तो बोल रहे हैं कि 7 दिन का टाइम दिया है कि इनको पीछे कर लो जी, नहीं तो 7 दिन के बाद फिर हम अगली कार्रवाई। हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है, तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो रास्ते का विवाद है, वहाँ पर जो एक पक्ष ने सरकारी रास्ते का जो निर्माण हुआ था वहाँ पर उखाड़ कर पोल लगाए हैं, और अभी विभागीय टीम जो है वो पहुँची हुई थी, उन्होंने निशानदेही की, लेकिन ये पार्टी मानने को तैयार नहीं है कि ये हमारी ही ज़मीन है और अपनी ही ज़मीन पर ये पोल गाड़े गए हैं। तो अभी विभाग ने 7 दिन का टाइम इनको दिया हुआ है। तो अभी आप देख रहे थे पीआर न्यूज़, और पीआर न्यूज़ के माध्यम से आपने लाइव दृश्य देखा रास्ते का विवाद जो यहाँ पर पिछले 2-3 महीनों से चला हुआ है। तो अभी विभाग ने आदेश दिए हैं कि ये जो पोल लगाए गए हैं रास्ते पर, इनको पीछे कर लिया जाए, और इसकी निशानदेही जो है हो चुकी है। बने रहें पीआर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।